रावतराई हूँ। बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैं आई एम रनिंग ए फार्म हियर इन दिल्ली। और मेरा शादी 2006 में हुआ था मिस्टर गंगा कुमार जी के साथ। मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग पटना में हो गया था, तो इस दौरान मेरी बेटी चली गई थी समर वेकेशन का छुट्टी वेकेशन मनाने के लिए अपने पापा के पास। पटना जाने से पहले मैंने सारा अपना फेशियल वगैरह करने गई थी पार्लर, तो वहाँ पर मेरा जो फेशियल कर रही थी तो उसने जैसे मुझे रिमार्क किया कि मतलब यहाँ अपर ब्रेस्ट में कुछ एक हार्डनेस फील हुआ। तो मैंने भी नोटिस किया हाँ यहाँ पर हार्डनेस कुछ है, तो फिर मैं इमीडिएट पटना गई। वहाँ जाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे नेक्स्ट डे को डायग्नोसिस सेंटर ले गए। तो डायग्नोसिस सेंटर पे वो लोग FNS बायोप्सी कराने के लिए वो सैंपल लिए, बायोप्सी कराए, रिपोर्ट में कार्सिनोमा है, मतलब कुछ गड़बड़ी है। हमेशा एक सवाल होता था कि क्यों ये हुआ, मैंने तो किसी के लिए कुछ नहीं किया है। इतना तो फिर 10 साल के बाद होता तो और अच्छा होता, क्योंकि हम लोग, मेरा एक बेटी था और जस्ट हम लोग प्लान आउट किए थे सेकेंड बेबी के लिए। जब मेरा बाल चला गया था तो कोई भी गेस्ट आते थे, चाहे वो उसका ट्यूशन टीचर आती थी, कोई भी आती थी, कोई पूछे ना पूछे वो ज़रूर बताती थी मेरी मम्मी ना टकली है, नकली बाल लगाती है तो ये ज़रूर बता देती थी और मुझे बहुत बुरा लगता था, और वो उसको हंसी आता था, चिढ़ाती थी। ऐसे मैं ऐसे ही पूरा बिना विग का, बिना स्कार्फ का उसके बस तक गई उसको छोड़ने के लिए। तो स्कूल से आई और एकदम से मुझे पकड़ लिया और कहने लगी मेरी मम्मी बहुत सुंदर है। मैंने कहा क्यों बेटा, तो कहती है कि सब लोग ने देख लिया आप टकली हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा अब वो समझ ली थी कि मम्मी को चिढ़ाना या टीज करना सही नहीं है, वो समझ गई उतने में।